हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज मैं बिलियर्ड से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑनलाइनर के माध्यम से आपके समक्ष लेके आई हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मेरे चैनल पे फिजिकल एजुकेशन के सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी हो, यूपीएलटी ग्रेड हो, अदर स्टेट का टीजीटी पीजीटी हो, चाहे एमपी टेट हो, चाहे केवीएस एनवीएस हो, सभी से सिलेबस के अकॉर्डिंग थ्योरी वीडियोज, एमसीक्यू चैप्टर वाइज एंड प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज सभी डिटेल में बताया गया है। थ्योरी सेशन में आपको स्टेप बाय स्टेप सभी टॉपिक मिल जाएंगे, जिसे आप पढ़ करके एमसीक्यू लगाएंगे तो आसान होगा। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। चलते हैं विलियर्स के इतिहास, कुछ मेजरमेंट्स के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन है कि विलियर्स खेल का जन्म किस देश में हुआ था। तो दोस्तों, विलियर्स खेल का जन्म हुआ था फ्रांस में, एंड कुश्ती का भी फ्रांस में हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम विलियर्स को किसके द्वारा लाया गया। तो अंग्रेजों के द्वारा लाया गया। नेक्स्ट है, विलियर्स में सर्वप्रथम किस भारतीय खिलाड़ी ने विश्व चैंपियनशिप बनने का कीर्तिमान स्थापित किया। तो थे माइकल फरेरा 1977 में। माइकल फरेरा 1977 में। एंड नेक्स्ट है, बिलियर्ड्स में जिस छड़ी का प्रयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं। तो दोस्तों, उसे क्यू बोलते हैं। और कई बार पूछा गया है कि क्यू शब्द किस खेल से संबंधित है, तो बिलियर्ड्स से संबंधित है। नेक्स्ट है दोस्तों, बिलियर्ड्स में कितने रंगों की गेंद का प्रयोग किया जाता है। तो बिलियर्ड्स में तीन रंगों की गेंद का प्रयोग किया जाता है, सफेद, लाल और धब्बेदार सफेद, जिसमें से लाल गेंद को क्यू गेंद बोला जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, बिलियर्ड्स खेल में प्रहार चुकने पर कितने अंकों का दंड दिया जाता है। तो बिलियर्ड्स गेंद में खेल में प्रहार चुकने पर 2 अंक का दंड दिया जाता है। नेक्स्ट है, बिलियर्ड्स गेंद का व्यास कितना होता है। दोस्तों, तो 52.5 एमएम होता है, और इसका भार होता है गेंद का 3 ग्राम, जैसे कि सबसे कम भार होता है 2.7 ग्राम टेबल टेनिस के भार का, ये भी ध्यान में रखिएगा, और इसका 3 ग्राम होता है। नेक्स्ट है, बिलियर्ड्स में प्रयोग होने वाले मेज की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है। तो बिलियर्ड्स जो है मेज पर खेला जाता है, इसकी लंबाई चौड़ाई जो होती है 3.44 मीटर गुणे 1.50 मीटर। नेक्स्ट है, बिलियर्ड्स में प्रयोग होने वाली मेज की जो ऊंचाई होती है वो कितने मीटर होती है। 1 मीटर होती है, 1 मीटर ऊंचा जो होता है वो मेज होता है। नेक्स्ट है, बिलियर्ड्स में किन किन रंगों की गेंद का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें 3 रंग के गेंद का प्रयोग किया जाता है, जो सफेद, धब्बेदार सफेद और लाल होता है, और जिसमें इस लाल गेंद को क्यू गेंद बोला जाता है। नेक्स्ट, बिलियर्ड्स में सर्वप्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया था। तो इसको दिया गया था गीता सेट्ठी को 1992-93 में। जैसा कि दोस्तों, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम अब बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है, और इसकी शुरुआत 1991-92 में हुआ था। नेक्स्ट है, हैजर्ड शब्द किस खेल से संबंधित है। तो बिलियर्ड्स से। एंड पार्ट शब्द किस खेल से संबंधित है। तो पार्ट शब्द भी बिलियर्ड्स से संबंधित है। तो हैजर्ड और पार्ट ध्यान रखिएगा, इस शब्द दोनों बिलियर्ड्स रिलेटेड है। नेक्स्ट है, बिलियर्ड्स में प्रयोग होने वाली मेज पर कितने पॉकेट होते हैं। तो 6 होते हैं। नेक्स्ट है, बिलियर्ड्स का खेल शुरू करने के लिए किस रंग की गेंद स्पॉट पर रखी जाती है। तो बिलियर्ड्स का खेल शुरू करने के लिए सफेद रंग का गेंद स्पॉट पर रखी जाती है। नेक्स्ट है, बिलियर्ड्स खेल का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संचालन कौन करता है। तो यह करता है WCBS। WCBS का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड कॉन्फेडरेशन ऑफ बिलियर्ड्स स्पोर्ट। नेक्स्ट है दोस्तों, WCBS की स्थापना कब हुई। तो 1992 में हुआ।
नेक्स्ट, WCBS का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ है, तो सेंट मार्टिन लेटम में है। नेक्स्ट है, बिलियर्ड्स की गेंद का वजन कितना होता है, तो 3 ग्राम होता है और इसका व्यास होता है 52.2 मीटर। तो दोस्तों इस प्रकार हमने बिलियर्ड्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जाना। एंड दोस्तों जो स्नूकर होता है वो भी इसी बिलियर्ड्स के मेज पर ही खेला जाता है और इसमें जैसे बिलियर्ड्स में 3 गेंद होते हैं, सफेद, लाल, धब्बेदार सफेद, लेकिन इस स्नूकर में 22 गेंदों से खेला जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए और डेली बेसिस पे इसी तरह बेहतरीन तैयारी के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। और फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।